मैं मेरे पास एक क्लिप आया, मैं तो अब तो मैंने व्हाट्सएप भी बंद कर दिया, अपने मैसेज भी बंद कर दिए कि ना हमें फ़ोन इस्तेमाल करने का सलीका है ना मुआशरत का सलीका है। दो चार दफ़ा कॉल ना उठाओ तो मैसेज आ जाता है, बड़े मगरूर हो गए हो, बड़े मुतकब्बिर हो गए हो, गरीबों का फ़ोन नहीं उठाते हो। यहाँ कोई वज़ीर होता तो उसका तो फ़ौरन उठा लेते, मैं चूँकि गरीब हूँ इसलिए मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो। ये इस किस्म की वाहियात खुराफात बोलते हैं तो दिल दुखता है कि ये तकब्बुर किसे कह रहे हैं। एक हाथ से मुसाफा कर लो, बड़ा मुतकब्बिर है, एक हाथ से मुसाफा करता है, सबसे चार उंगलियां देता है, दोनों हाथों से मुसाफा नहीं करता। अरे भाई, एक हाथ से मुसाफा भी सुन्नत है, दोनों हाथों से भी सुन्नत। बल्कि बुखारी शरीफ की रिवायत सुनाओ, अब्दुल्ला बिन मसूद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा कर रहे हैं एक हाथ से, और मेरे नबी कर रहे हैं दोनों हाथ से। अगर एक हाथ से मुसाफा करना बेअदबी होती, तकब्बुर होता, तो इब्ने मसूद जैसी हस्ती एक हाथ से मुसाफा करती। मेरे नबी कभी दो हाथ से करते थे, कभी एक हाथ से करते थे, कभी नहीं करते थे, खाली सलाम करके चले जाते थे। लेकिन हमारा अजब निज़ाम है, एक आदमी 1000 आदमियों से रोज मुसाफा करता है, वो हर दफ़ा कैसे यूँ करेगा, आए मेरा मोटा लह गया पीड़ा नाल है, तो हाल भी तकब्बर का फतवा मेरे उत्ते स्टिल स्टैंड बाकी है। बड़ा मगरूर हो गया, सर वजीरा मुसाफे करें, सू तो पुछता ही कोई नहीं, हूँ इधे मुसाफे इधे करें। अपनी नादानी नहीं देखते कि 10,000 के मजमे में मुसाफा करने आ रहे हैं, अब आप 2,500-3,000 का मजमा बैठे हो, आप मुझे मुसाफा करने आ जाओ, आपकी नादानी है मेरी। और मैं 2 घंटे बयान के बाद मेंबर से उतरूँ, अस्सलाम वालेकुम। अभी चंद दिन पहले की बात, मेरे अपने इलाके में हमें देहाती लोग हैं, एक गांव के लोग है, मियाँ साहब माओ मुझे कहते हैं, मियाँ साहब बयान करो ना साड़ी बस्ती बयान करो। मैं क्या बाबा हली मैं वेला को नहीं कर ले सा। अब मैं बयान से उतरा था, मुझे पेशाब का तकाजा था, मैं टॉयलेट जा रहा था, वो मेरे नाला मियाँ साहब तरीक दे हो ना, कदम बढ़ाओगे तरीक दे हो ना। अब मैं जा रहा हूँ जा रहा, आखिर टॉयलेट का दरवाजा आ गया, मियाँ साहब तरीक दे हो ना। मैं क्या आ रल तो पेशाब कर ले तो फिर मैं तरीक देना। अब अगर मैं कहता हूँ नहीं तो कहता बड़ा मुतकब्बर है, कोई वजीर बोला था ना तो चला जाता, ये हम गरीबों ने बोला आया ही नहीं। भाइयों, आदाब मुआशरत का ही नहीं पता, आदाब मुआशरत का ही नहीं पता, इस फोन ने जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं हर बयान में कहता हूँ ये जरूरत की चीज है, खाते हुए जुल्म है अल्लाह की कसम तुम्हारा अपने ऊपर कि तुम एक हाथ से फोन से एक हाथ से खाना खा रहे हो। कितनी दफा मैंने इनके हाथों से फोन चूं, पागल हो इस पैसे नूं अगला दो जो थोड़ी मत मार दे, टेलीफोन टॉयलेट में सौदा कर रहा है, चुका ले माल चुका दे अजय, वो फिटे मुंह तेरे सौदे का, वो तू वो काम कर जरा करना है। इतनी नादानी, इस कदर जलालत गुमराही जिल्लत। बीबी के आस पास बैठो इस कमबख्त को बंद कर दो, बच्चों के साथ बैठो इसे बंद कर दो, कारोबार के वक्त में खोलो इसे, लेट नाइट किसी को फोन ना करो। मैं फोन बंद करके सोता हूं, खुला रह गया, 1 बजे फोन की घंटी बजी, मैंने कहा या अल्लाह खैर हो, पता नहीं कौन बेचारा मुसीबत ज़दा। मैंने फोन उठाया, जी मौलाना साहब टैलेंट एक दुआ पढ़ सकने हैं कि नहीं पढ़ सकते। मैं कहा फिटे मुंह तेरे इस फोन करण दा, और लुदे पठया सुबह ही पूछ लवे आ मेरे को, जी टैलेंट एक दुआ पढ़ सकने हैं कि नहीं पढ़ सकते। फोन खुला रह गया, मैं नफल पढ़ रहा था रात को तहज्जुद, टन 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 टन। मैं जब नफलों से फारिग होकर उठा तो रब्बे जुल जलाल की कसम 1 नंबर से 80 कालें थी, 80। ये इंसानियत है, ये शराफत है, ये जिंदगी है। अब अपनी लाइफ क्वालिटी देखो कितनी गंदी हो चुकी है, खाना खाते हुए फोन सुन रहे, बीवी से बात कर रही टन उसको छोड़ के फोन सुनना शुरू कर दिया, बेटा मुतवज्जे हुआ है उससे बात करते करते फोन टर्न उधर, बच्चे को तबाह कर दिया, बीवी को धक्का दे,
اب ماؤں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہیں، انہیں کی کام کیتا انہیں پتروں نو کارٹون تے لا دیتا، لے بچو تسی کارٹون ویکھو اسی اپنا کام کریے، وہ بیچارے معصوم کارٹون ویکھ 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 انہاں نو اما بھی کارٹون نظر آمد، ابا بھی کارٹون نظر آمد، ہر شے کارٹون نظر آمد۔ ان ماؤں نے اپنی نسل برباد کر دیا کارٹونوں پہ بٹھا کر، ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ اپنی نسل کے ساتھ یہ کیا تباہی لا رہی ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے بچے کا لینے کا، 6 سال تک بچے کو کچھ نہ پڑھاؤ، میرے بس میں ہو میں سارے اسکول بند کر دوں جو 3 سال کے بچے کو لے کر ظلم و ستم کرتے ہیں اور اپنے پیسے کھڑے کرنے کے لیے ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک بچے کو نماز بھی نہ کہو، کیا کہو؟ گود دو، ماں باپ اپنی گود دیں۔ اس وقت بچہ خالی ذہن ہو کر چیزوں کو پک کر رہا ہوتا ہے، لے رہا ہوتا ہے، لے رہا ہوتا ہے، لے رہا ہوتا ہے۔ جب اس کے اوپر پڑھائی کا بوجھ آتا ہے تو ساری فائلیں اس کی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ بچے کے لینے کی عمر ہوتی ہے 7 سال تک۔ میں سویڈن گیا، وہاں 7 سال تک کچھ نہیں پڑھاتے، 3 سال کا بچہ لے لیتے ہیں، نہ کتاب، نہ قلم، نہ کاغذ، کچھ بھی نہیں۔ ان 4 سال میں ان کو ایک بہترین اس معاشرے کا فرد بنا دیتے ہیں، زیرو ہے وہاں ریٹ جرائم کا، جہاں انسان ہوتے ہیں جرائم ہوتے ہیں لیکن انتہائی تھوڑے، انتہائی کم۔ میں ایک اسکول میں گیا، وہ 3 سال کے بچے، ایک ادھر بیٹھا رو رہا، ایک ادھر بیٹھا رو رہا، ایک ادھر بیٹھا رو رہا، موٹے موٹے آنسو، ایک بیچارے کا پیشاب بچے نکلے ہویا۔ کیا ظلم ہے ماؤں کا، اور کیا حماقت ہے، بچہ پیچھے رہ جائے گا، بچہ پیچھے رہ جائے گا۔ ارے لفظوں کے ہیر پھیر کا نام تعلیم نہیں ہے، شعور کا نام تعلیم ہے، انسانیت کا نام تعلیم ہے۔